अगर आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हो, आप ये पैनल परचेज करना चाहते हो, आपके पास सफिशियंट इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सको, क्योंकि आपने इतने पैसे खर्च करने हैं, आपके मन में ये सवाल बार बार आता है कि कौन सा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल मेरे लिए, आपके लिए बेहतर है। तो मैंने भी ऐसे 8-10 महीने पहले काफी कंफ्यूजन फेस की, इंफॉर्मेशन की कमी फेस की, और जितनी स्टडी मैंने की वो आपके सामने पेश कर रहा हूं रिगार्डिंग इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। इस वीडियो में हम सिर्फ मैक्स हब और एलजी ब्रांड का कंपैरिजन करेंगे और इनका टोटल कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 मेन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपके सामने ये एनलिस्ट किए गए हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये किस बेस पर मेरे पास आई है? नंबर एक, मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मैंने कितने पैनल या डिजिटल बोर्ड जो खुद चलाकर देखे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अच्छा, मैंने सर्वे किया है, जो इंटरव्यूज की है, किन किन की, डीलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कस्टमर्स की, जो कई साथी थे मेरे भी साथ साथ में देख रहे थे कि क्या कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बेटर है, उनसे डिस्कशन होती थी। ओके, यूजर्स जो थे मेन, जिनके पास 1-2-3 साल पहले तक ये पैनल था, वो इसको यूज कर रहे थे, उनसे इंटरव्यू की, उनसे डिस्कशन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ब्रोशर्स स्टडी किए, यूट्यूब के चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, किसी से निगलिजिबल और किसी से कुछ मिलती थी इंफॉर्मेशन, वेबसाइट स्टडी की, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं। याद रहे, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो हर हाल में इनकम्प्लीट रहती थी, आपको कोई भी डीलर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इवन कंपनी या ब्रांड भी सारी इंफॉर्मेशन ओपन नहीं रखते। तो मेरे 8-10 महीने की इस मेहनत का आप फायदा उठा सकते हो। टोटल जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है ब्रांड्स की, मैंने उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो चाइना के हैं, दूसरा इंडिया के हैं, तीसरा चाइना और इंडिया के अलावा बाकी सारे हैं, जिनमें अमेरिका, कोरिया, ताइवान की मेन कंपनीज हैं जिनके ब्रांड इंडिया में अवेलेबल हैं। इन टोटल ब्रांड्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन पॉपुलर और पॉपुलर। पॉपुलर में 5 ब्रांड्स मेरे पास जो मैंने स्टडी किए हैं, एलजी, व्यूसोनिक, बेनक्यू, मैक्स हब, सैमसंग, फ्लिप। और नॉन पॉपुलर में 9 ब्रांड्स है, इवोटा, टेक्नो, फर्स्ट चॉइस, प्रो मार्क, न्यू लाइन, ग्लैडविन, अनफिनिटी, ट्रू व्यू एंड एकिन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एलजी और मैक्स हब। फर्स्ट पॉइंट है मॉडल, लेटेस्ट मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्स हब का, FA सीरीज। आप देख सकते हो इससे पहले जो सीरीज आती थी उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन उन कमियों को दूर किया गया है FA सीरीज में। नेचुरली हर लेटेस्ट सीरीज में कुछ अपडेट किए जाते हैं, हर ब्रांड हर कंपनी ये करती है। और एलजी का जो हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में है वो है TR3BF, मैक्स हब का है E75FA। अच्छा, इनके साइज कौन से अवेलेबल हैं, दोनों कंपनीज कौन से साइज हमें प्रोवाइड करती हैं, इंचेस में ये साइज है 55 का है, 65 का है, 75 का है, 86 का है। इन दोनों कंपनी में डिफरेंस क्या है कि 55 का मैक्स हब प्रोवाइड करवा रही है लेकिन एलजी में ये एब्सेंट है, तो यहां पॉइंट फेवर में चला गया थोड़ा सा मैक्स हब के। अच्छा, याद रहे ये साइज डायगनली मेजर होते हैं इस तरह से। ओके, मतलब ये बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये मेरा बोर्ड है 75 इंचेस डायगनली। नेक्स्ट पॉइंट है आस्पेक्ट रेशो, आस्पेक्ट रेशो 16:9। इट मींस के इस तरफ ये 16 और इस तरफ ये
9 होगा। आप अगर YouTube में जब वीडियो अपलोड करते हो या कैम्प्टेशिया में एडिट करते हो या किसी और सॉफ्टवेयर में एडिट करते हो तो आपको वो ऑप्शन देता है कि आपने किस रेशो में इसको सेव करना है। मोस्टली मोस्टली नहीं ऑलवेज हम YouTube के लिए 16:9 में इसको सेव करते हैं, तो सारे ये पैनल जो है 16:9 में ही अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को समझना है तो ये सॉरी रेजोल्यूशन इज अ नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं, देखिए इन दोनों ब्लॉक्स को के किन में पिक्सल्स ज्यादा हैं, जिसमें पिक्सल ज्यादा है उसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, जिसमें पिक्सल ज्यादा है रेजोल्यूशन ज्यादा है पिक्चर क्वालिटी उसकी बेटर होगी। क्यों, क्योंकि उसमें पिक्सल का साइज छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हो ये साइज कितना छोटा है और ये साइज लगभग उससे काफी ज्यादा है। जब पिक्सल साइज कम हो जाता है क्वालिटी पिक्चर जो है बढ़ जाती है, उसका आईज पर स्ट्रेस कम पड़ता है, तो हमें ज्यादा रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन चाहिए, डिस्प्ले चाहिए। आप ये देखिए मैक्स हब और एलजी दोनों ही 4K रेजोल्यूशन और डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, एक डिफरेंस है कि एलजी में, एलजी का मैनुअल भी आप पढ़ोगे ब्रोशर भी पढ़ोगे तो आईपीएस उसमें लिखा होगा इन प्लेन स्विचिंग। ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, इसका डिफरेंस मैंने समझने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं समझ नहीं आया कि हाँ ये कह सकते हो कि आईपीएस एलजी का एडिशनल डिस्प्ले का फीचर है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैक्स हब के पैनल में कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है या किसी डीलर में भी मुझे प्रोवाइड नहीं की, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटी ग्लेयर। ओके, एंटी ग्लेयर, ग्लेयर को आपने समझना है एंटी रिफ्लेक्टिव, ये वर्ड भी है इसके लिए। मतलब कि ये जो पैनल आपके पास आते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करके आते हैं। ग्लेयर जहां रिफ्लेक्शन को आपने समझना है तो आप इस स्क्रीन के सामने से यहां से कोई लाइट इस पर फेंके तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कैमरे में दिखाई देगी। अच्छा, ये पैनल ऐसे आते हैं दोनों ही, दोनों में इक्वालिटी है, इसका मतलब सिमिलैरिटी है के दो एंटी ग्लेयर या एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हुई है, यस हुई है। जिन बोर्ड पर ये कोटिंग नहीं हुई होती वहां वहां ऐसे आप देख सकते हो डिफरेंस, ये रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करोगे ऐसे पैनल पर जिस पर एंटी ग्लेयर कोटिंग हुई है तो उसमें वो चमक आपके कैमरे पर नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है। दोनों ही कंपनी मैक्स हब भी एंड्रॉयड 8 और एलजी भी एंड्रॉयड 8, ये लेटेस्ट जनरेशन है जो दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। ये सिमिलैरिटी है इनकी, जो नॉन पॉपुलर ब्रांड है उनमें 6th जनरेशन या 7 एंड्रॉयड 6 एंड्रॉयड 7 भी मिलते हैं, दैट इज वाई उनका जो प्राइस है इनसे कम होता है। एंड्रॉयड इज नथिंग बट आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आपके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वैसे ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस पैनल में काम करता है। आपके पीसी पर कंप्यूटर पर विंडो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर एंड्रॉयड काम करता है, एंड्रॉयड की लेटेस्ट जनरेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रैम एंड रोम, द जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए है, आप मल्टी फाइल यूज, जैसे मेरी फाइल्स बहुत खुलती है जब मैं काम करता हूं, एक वक्त कई बार 40 से ज्यादा फाइल्स खुली होती हैं, तो आपकी रैम ज्यादा रिच चाहिए। देखते हैं कि मैक्स हब क्या प्रोवाइड करता है। मैक्स हब 4GB रैम प्रोवाइड करता है पैनल के लिए, लेकिन एलजी 3GB करता है। यहां पर मैक्स हब फिर प्लस में जा रहा है और रोम के रिगार्डिंग परमानेंट स्टोरेज जो है 32GB प्रोवाइड कर रहा है मैक्स हब, लेकिन मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा है एलजी 16। शायद
हाँ ये हो सकता है कि अब कोई वर्जन, अब कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने अभी स्टडी की है, अगर हो सकता है कि 32 आप पूछ लीजिए खरीदने से पहले कि 32 GB आपको रोम प्रोवाइड की जा रही है एलजी की तरफ से, अगर नहीं की जा रही, मैंने काफी बार डीलर से बार बार पूछा तो ना का जवाब आया, तो यहां पर रैम और रोम के बेस पर मैक्सब प्लस पॉइंट लेके जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट टच पॉइंट। टच पॉइंट कई बार होता है कि क्लासरूम में बच्चे, जैसे बोर्ड पर एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा बच्चा, चार्ट बोर्ड से तो एक बोर्ड पर कितने जने एक टाइम पर लिख सकते हैं, वैसे कितने लिखेंगे, जितने बच्चे वहां खड़े होंगे, लेकिन ये पैनल जो है मैक्सिमम आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये एक टच है, ये दो टच है, ये तीन टच है, ये चार टच है, ये 0.5 हो गए, ऐसे एक वक्त 10 पॉइंट भी टच हो सकते हैं। अच्छा, ये दोनों पैनल मैक्स हब और एलजी टच पॉइंट्स कितने दे रहे हैं हमको, 20, एंड वो भी एलजी भी 20। इस फीचर का फायदा क्या है कि अगर आप क्लासरूम में या ट्यूशन करते हुए जहां भी आपने यूज करना है कि अगर एक बच्चा यहां लिखना चाहता है, दूसरा यहां लिखना चाहता है, तीसरा यहां लिखना चाहता है, 20 पॉइंट्स यूज नहीं होते लेकिन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम भी होती है कि जब आप अगर लिखते हो, ऐसे लिखते हो तो आपका हाथ यहां से टच करता है तो ये प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन इस पैनल में ये ऑप्शन होती है कि आप 1 पॉइंट टच रखना है या मल्टी टचिंग रखनी है। जब आपने ऐसे टच करते हो तो आप वो मल्टी टचिंग वो हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टच टूल्स। टच टूल्स है कि आपने किस टूल के साथ राइट करना है, ड्रा करना है पैनल पर। फिंगर सभी पर, दोनों पर यूज हो रही है, फिंगर इधर भी है, एलजी के पास भी है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ये भी प्रोवाइड कर रहा है, एलजी भी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, पेन जैसे ये प्रोवाइड किए गए हैं, आप ये देख सकते हो, दो पेन लगभग सभी ब्रांड्स दो पेन प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये निप है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, अगर खराब हो जाती है बाद में आप खरीद सकते हो, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ एलजी का प्लस पॉइंट जा रहा है, इंफॉर्मेशन में मैंने स्टडी किया था, टू स्टाइलिस पेन एट सेम टाइम, थोड़ा सा प्लस पॉइंट में जा रहा है यहाँ एलजी। ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए इतना बड़ा पॉइंट है नहीं है, आप खुद कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर। स्पीकर दो पर्पस मेन है स्पीकर के, अगर तो आपने कोई मूवी देखनी है, पिक्चर देखनी है तो थिएटर जैसे फील करना है तो ये फीलिंग देता है स्पीकर। अच्छा, मेरे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे ऐसा पैनल चाहिए था जिसके स्पीकर की आवाज इतनी हो कि मेरे कैमरे पर रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग साथ में होनी है, उस पर मैंने काफी एनर्जी लगाई उसको समझने के लिए अच्छी रिकॉर्डिंग कैसे होती है ऑडियो। तो जब पैनल में से आवाज आए मेरे कैमरे या मेरे मोबाइल में अच्छी रिकॉर्डिंग हो, इसलिए मैं ये इस पॉइंट को कंसिडर करता था। लेकिन मैक्स हब और एलजी दोनों ही दो स्पीकर्स प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही 12 वाट के हैं, तो यहां दोनों ब्रांड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं कि दोनों ब्रांड्स आपको कौन कौन सी केबल्स साथ में प्रोवाइड करती हैं, सॉरी पॉइंट्स साथ में प्रोवाइड करती हैं, केबल्स और पॉइंट्स। HDMI अगर आपने के पास पुराना लैपटॉप हो, अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो उसको नए लैपटॉप के साथ कंपेयर करके देखना, पुराने लैपटॉप में VGA पॉइंट होता है। ओके, हम मेरे पास इस लैपटॉप में ये पॉइंट है, अगर ये दिखाई देता है, ये देखिए, ये VGA। ओके, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये पॉइंट की जगह पर HDMI आते हैं। ओके, HDMI इमेज क्वालिटी इसमें VGA से बेटर है। दोनों मैक्सअप और LG तीन पॉइंट्स इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा है USB 2.0
2.0, USB 3.0, मैंने नेट से स्टडी किया था कि इनमें डिफरेंस क्या है। USB 2.0 को हाई स्पीड USB भी कहा जाता है, ठीक, और USB 3.0 को सुपर स्पीड USB भी कहा जाता है। लेकिन यहां कोई फर्क नहीं नजर आ रहा क्योंकि ये भी 3 और ये भी 3 पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी हाई स्पीड वाला 3.3 के भी 3 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। VGA जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके साथ है वीडियो ग्राफिक एरे, इसकी फुल फॉर्म है। ये 1.1 पॉइंट यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों कंपनी की तरफ से, और लैन केबल है 1 एंड 1, यहाँ हर पॉइंट पर दोनों ब्रांड्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेबकैम। वेबकैम की जरूरत तो उनके लिए ज्यादा है जो वीडियो कैप्चरिंग कॉन्फ्रेंसिंग, जिनका पर्पस है पैनल को यूज करना। अच्छा, कोई भी इनमें से कंपनी वेबकैम आपको प्रोवाइड नहीं करती, ना LG ना मैक्सम। अगर आपको वेबकैम चाहिए आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं करती। जो कंपनी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूंगा। तो यहां पर अगर इनबिल्ड आप वेबकैम चाहते हैं तो यहां पर दोनों कंपनी दोनों ब्रांड्स को आपको रिजेक्ट, तो आप दोनों को रिजेक्ट कर सकते हो। OPS ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, अगर आपको इजीली समझना है तो आप इसको लैपटॉप अपने कंप्यूटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, मिनी कंप्यूटर के साथ जो इसके साथ अटैच भी हो जाता है, जिस पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो चलता है। जैसे इस इमेज में दिखाया गया है कि ये ऐसा ऑपरेटर होता है, ओके, और इसकी बैक साइड पर इसे इंसर्ट किया जाता है, इसको इंटरनल OPS कहते हैं। इस पैनल में आप देख सकते हो यहां पर इस स्पेस पर कैमरा इधर लेके आना, शाबाश। यहां पर आप ये देखिए इस स्पेस पर यहां पर OPS फिक्स हो जाता है, ये स्लॉट बोलते हैं इसको, स्लॉट प्रोवाइड की गई है। हर ब्रांड वैसे स्लॉट की ऑप्शन देता है। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो तो आप इंटरनल OPC लेना जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक। लेकिन इसमें काफी डिस्कशन की जरूरत है, एक वीडियो इसी पर आपको शायद मिल जाए कि OPS वर्सेस लैपटॉप और OPS में क्या क्या वैरायटी है। इंटरनल OPS होता है, इंटरनल कंपनी का होता है, इंटरनल किसी और कंपनी का होता है, तीसरा जो एक्सटर्नल OPS होता है जहां मिनी कंप्यूटर साथ में इसके अटैच हो जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि जिनकी एडिटिंग वर्क ज्यादा है उनको एंड्रॉयड नहीं, उनको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए OPS आपको लेना ही पड़ेगा। उसका जो प्राइस है वो बाद में इस वीडियो में आपको बताता हूं। OPS मेन पॉइंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ MacSub एक ऐसी कंपनी है जो विद इनबिल्ड OPS आपको 75 वाला, दूसरी तरफ LG सिर्फ स्लॉट प्रोवाइड कर रही है। LG के लिए आपको 42,000-43,000 के करीब जो इंटरनल ऐसा OPS है वो एक्स्ट्रा आपको, अगर आप LG का ले रहे हो तो OPS आपको साथ में नहीं मिलेगा, उसको लगाने की सिर्फ जगह स्लॉट मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे OPS को लेने के लिए। लेकिन MacSub में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, ये मेजर डिफरेंस है LG वर्सेस MacSub में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव स्क्रीन, ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो टीचिंग मल्टी मीडिया से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन पर उनके वो चाहते हैं कि बोर्ड चले, दूसरी स्क्रीन पर वो चाहते हैं कि PPT चले, तीसरी स्क्रीन पर वो कोई वीडियो शो करना चाहते हैं, चौथी पर कोई PDF जहां कोई पिक्चर शो करना चाहते हैं। तो
तो अगर आप डिफरेंट फाइल्स या विंडो वो यूज करना चाहते हैं एक ही टाइम पर, तो आपको मल्टी स्क्रीन या एक्टिव स्क्रीन की ऑप्शन चाहिए। अब ये देखना है कि मैक्सहब प्रोवाइड कर रहा है, फोर एक्टिव स्क्रीन मैक्सहब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एलजी फोर एक्टिव स्क्रीन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सेकंड है पीआईपी सपोर्ट। पीआईपी सपोर्ट पिक्चर इन पिक्चर, यहां लिखा होगा पिक्चर इन पिक्चर, ओके। ये पिक्चर इन पिक्चर जो मल्टी विंडो मोड है, ये आपको वीडियो एक स्मॉल विंडो में एक स्पेस में चलाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो दोनों ही पीआईपी सपोर्टेड है, मतलब दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। आप किसी वीडियो को एक विंडो में एक साइड में साथ में शो कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सारे ह्यूमन बीइंग के लिए इतना जरूरी है, इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। आपका कोई भी पैनल का कोई भी पर्पज हो यूज करने का, आप इसको आई केयर टेक्नोलॉजी, ओके, क्योंकि आईज पर इफेक्ट है। जैसे मोबाइल का, टेलीविजन का, आपके लैपटॉप का आपकी आईज पर इफेक्ट है, वैसे ही इस पैनल का इफेक्ट है। इस पर मैंने काफी सर्च किया कि आई केयर टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट कौन सा पैनल है। इसमें मार्क्स जो एलजी के ज्यादा है, क्योंकि एलजी पैनल यूएल लिस्टेड एफसीसी क्लास 1 से सर्टिफाइड है। ये बात याद रखनी है कि सर्टिफिकेट। इस पर मेरी काफी डीलर से डिस्कशन भी हुई, जो जिनके प्राइस कम होते थे वो भी इसको जस्टिफाई ऐसे करते थे कि अगर हम इसका सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके लिए कंपनी को या गवर्नमेंट को जहां से सर्टिफिकेट लेते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, तो आपका प्राइस पैनल का बढ़ जाता है। दैट इज वाई नॉन पॉपुलर ब्रांड जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो सर्टिफाइड आपको नहीं मिलेंगे, कंपनी वाले मिलेंगे। लेकिन मैक्स हब पे कोई ऐसा प्रूफ या डिस्कशन या एविडेंस मुझे नहीं मिला कि वो किस कंपनी से आई केयर टेक्नोलॉजी के लिए सर्टिफाइड है, ओके। लेकिन एलजी है, आप देख चुके हो। सेकंड है आई केयर के लिए ब्राइटनेस। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी आईज इफेक्ट होगी, जितनी कम होगी ब्राइटनेस उतनी आपकी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, उतनी आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, फ्लिकरिंग प्रॉब्लम भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये रेंज जो है दोनों ही अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। निट्स में इसको मेजर किया जाता है 350 निट्स मैक्स हब, ओके, 330 निट्स एलजी प्रोवाइड करते हैं। आप लगभग 3 से 350 के बीच में ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हो। सेकंड एक फीचर है जो आईज के लिए जरूरी है, जैसे डिम वाइल टच। फॉर एग्जांपल मैं इसको टच करने के लिए यहां तक आता हूं तो इसकी लाइट, मैं यहां आता हूं आपसे बात करता हूं तो उसकी लाइट बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है कि जो टीचर है या टीच कर रहा है या इंटरेक्ट इसके साथ इसको देख रहा है उसकी आईज पर इफेक्ट कम होता है। डिम वाइल टच की जो क्वालिटी है अवेलेबल है एलजी में, लेकिन मैक्स हब में ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे पास जहां इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां मुझे प्रोवाइड नहीं की गई, ओके। अगर आपको मिलती है इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, ब्लू लाइट फिल्टर। ब्लू लाइट फिल्टर होता क्या है, ब्लू लाइट होती क्या है, ब्लू लाइट के इफेक्ट क्या होते हैं, इस पर एक डिफरेंट पूरी वीडियो आपको मिलेगी बड़ी डिटेल में। क्योंकि जब ये पॉइंट में ये समझ रहा था कि ब्लू लाइट फिल्टर क्या होता है, ब्लू लाइट क्या होती है, मैं समझते इतना समझ गए कि उस पर बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कैसे हमारी आईज को इफेक्ट करती है, बच्चों को, एडल्ट्स को। प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना, आपके आईज जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा दिया है कि 50 साल तक हमारी आईज का क्या हो जाएगा, सब कुछ उसने डिस्कस किया होगा।
ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी में से एक पोर्शन जो ब्लू कलर का होता है, इसको डिटेल में उस वीडियो में बताऊंगा, वो आपकी आईज को ज्यादा इफेक्ट करता है नेगेटिवली। ओके, तो वो आपके रेटिनल पार्ट को या किसी और पार्ट को इफेक्ट करता है, वहां ये बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दो बातें हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, ये ब्लू लाइट ही कम प्रोवाइड करे। ओके, तो कम प्रोवाइड करने वाली जिसको कहेंगे लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो ब्लू लाइट दूसरी टेक्नोलॉजी से कम प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब है कि मैक्स हब और एलजी में जहां कोई और ब्रांड आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये देखना है कि कौन सी पैनल कौन सा है ब्लू लाइट कम प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहां दोनों सारी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी हाँ मैक्स हब वाले कहते हैं जी हाँ ब्लू लाइट फिल्टर है, ए एलजी वाले भी कहते हैं ब्लू लाइट फिल्टर है। मैंने डिटेल में जब स्टडी किया तो 100% ब्लू लाइट फिल्टर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इट मींस के ब्लू लाइट आनी है, आप पर इफेक्ट होना ही होना है। ये रेंज 30-70% के बीच में है। अब ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि 70% ब्लू लाइट को रोकने वाली टेक्नोलॉजी पैनल कौन सा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्लू लाइट फिल्टर है लगा है जी, ब्लू लाइट फिल्टर लगा है। वो फिल्टर कितना इफेक्टिव है ये कोई नहीं बताता। हाँ, एक बात पक्की है कि जो नॉन पॉपुलर ब्रांड है, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, चाहे यूजर जिनके साथ पॉपुलर ब्रांड चाहे नॉन पॉपुलर ब्रांड, तो ये डिफरेंस मिलता है जो ब्रांड वाले हैं उनका ब्लू लाइट फिल्टर इज बेटर। लेकिन एलजी और मैक्स हब और एलजी में से ये डिफरेंस क्या है, ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रास्ट रेशियो। कंट्रास्ट रेशियो का भी आई केयर याद रखना, जो कितने पिछले इतने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये आईज केयर टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसकी कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये वाला पॉइंट है। इस वीडियो में आपको साथ साथ में वो पॉइंट बता रहा हूं। कंट्रास्ट रेशियो इज आल्सो द पॉइंट विच अफेक्ट अवर आईज। कंट्रास्ट रेशियो क्या है कि जो बैकग्राउंड है और इमेज है उसमें विरोध कितना है। जितना ज्यादा कंट्रास्ट होगा उतना आईज पर इफेक्ट कम पड़ेगा, जितना कंट्रास्ट कम होगा उतना आईज पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन यहां मैक्स हब और एलजी में कंपैरिजन कुछ नहीं है, 1200:1 दोनों ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्यूइंग एंगल। ये इसका भी आईज के साथ संबंध है। अगर आप इस टेढ़े एंगल से इमेज को वर्ड्स को सही तरह से रीड नहीं कर सकते तो आईज पर स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, इस इमेज में आप देख रहे हो ये टीचर है, बोर्ड सामने है और ये सामने के एंगल से देख रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर टीचर इधर से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ओके फॉर एग्जांपल मैं यहां से देख रहा हूं, क्या मुझे इमेज के लिए क्लियर दिखाई दे रही है? अगर क्लियर दिखाई दे रही है तो व्यूइंग एंगल इसका ज्यादा है, मेरे आईज के लिए कंफर्टेबल है। तो व्यूइंग एंगल दो तरह से मेजर किया जाता है। नंबर एक, जस्ट ए मिनट, हॉरिजेंटल और एच, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल इस तरफ से, मतलब इस तरफ से कहां से, ये देखिए मैं यहां से देख रहा हूं 178:170, यहां से दिखाई दे रहा है। यहां से जो मैं इनको रीड कर सकता हूं, इमेज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, इट मींस के 178 व्यूइंग एंगल है, लेकिन बिल्कुल 178 नहीं है, 178 यहां से बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैनल्स मैक्सिमम लगभग हर एंगल से आप इमेज को भी देख सकते हो, रीड भी कर सकते हो। अच्छा, कंपैरिजन में मैक्स हब और एलजी, अच्छा ये हॉरिजेंटल बताया था, ये हॉरिजेंटल एक तो इधर से हो गया, दूसरा इधर से कहां से देख सकते हो, ओके, तीसरा ऊपर से और नीचे से,
टीचर को हॉरिजेंटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इधर से या उधर से देखना होता है, लेकिन आप यहाँ से नीचे से भी जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। ओके, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल हो गया। अब मैक्सअप और एलजी क्या प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही 178 into 178, इट मीन दोनों सिमिलर है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लिकरिंग फ्री। फ्लिकरिंग भी आईज के साथ, कैमरा के साथ, शटरिंग के साथ इसकी प्रॉब्लम का संबंध है। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाई है, वैसे इस इमेज में भी वैसी दिखाई देती है, वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि कैसी दिखाई दे रही है। ये जो लाइंस देख रहे हैं आप हॉरिजेंटल दिखाई दे रही है, राइट राइट, इसको फ्लिकरिंग बोलते हैं। अगर ये लाइंस आ रही हैं तो रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, इस पैनल में आप देखिए कि कोई लाइन आपको दिखाई दे रही है, कोई नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें एक ऑप्शन दी गई है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को फ्लिकरिंग फ्री कर सकते हो। जब हाँ फ्लिकरिंग फ्री करते हो तब इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ जाती है, ये बात साथ में है। जब आप एक लिमिट से कम ब्राइटनेस कम करते हो तो फ्लिकरिंग फ्री में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये पैनल हमें क्या फ्लिकरिंग फ्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं? मैक्सअप यस प्रोवाइड कर रहा है और एलजी भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये इतने पॉइंट मैंने मेरे ख्याल में जो 6 पॉइंट लगभग होंगे, 6-7 काउंट नहीं हुए, तो ये सारे इंटरेक्ट करके आपकी आईज को इफेक्ट करते हैं। उसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फ्लिकरिंग ज्यादा है ना, एक मिनट, फ्लिकरिंग ज्यादा है, कंट्रास्ट लो है, ओके, ब्राइटनेस हाई है, तो आईज इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, आईज इफेक्ट ज्यादा है। ओके, उल्टा फ्लिकरिंग कम है, ठीक है, कंट्रास्ट हाई है और ब्राइटनेस रिलेटिवली लो है, तो आईज पर इफेक्ट जो कम होगा। दैट इज वाई पिछले जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आई केयर टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, आपको इन बातों का ध्यान पैनल को परचेज करते हुए रखना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, दो रिवीजन है, आपको जब भी कोई डीलर या सप्लायर ये बताता है इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, तो रिस्पॉन्स टाइम एक टच का है, याद रखना है, और टच का है। दूसरा है, जैसे मैं ये रिस्पॉन्स टाइम एलसीडी पैनल का, ओके, मेरे ख्याल में मुझे भी पूरा क्लियर डिफरेंस नहीं पता, 8 मिली सेकेंड टच करने के बाद, आपको मैं यहां शो नहीं कर सकता, जैसे ये टच कर रहा हूं, मान लीजिए टच कर दिया, उसके 8 मिली सेकेंड बाद यहां इमेज डिस्प्ले हो रही है। मान लो ये टच कर दिया, ये इमेज डिस्प्ले हो गई। इस डिफरेंस को ये जितना ये कम होगा उतनी डिले जो है उतनी राइटिंग अच्छी होगी, लेकिन यहां आप मैक्सअप और एलजी को कंपेयर करके देखें, दोनों ही 8 मिली सेकेंड का जो टच एलसीडी पैनल टाइम है वो इक्वल दे रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम टच ये 10 मिली सेकेंड से ज्यादा है, ये इंफॉर्मेशन मैक्स हब ने दी है, लेकिन एलजी ने कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी ही नहीं है। अच्छा, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, ये पूरी तरह से ना मुझे बताया गया जब मैं पूछता था, ना ही शायद उनको पता है, शायद कंपनी में जिसने बनाया है ना, जिसने ब्रांड बनाया उनको ही पता होगा। हाँ, डेमो देने वाले अक्सर आपको ऑनलाइन देते हैं, उसमें आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका क्या मतलब है, इसका डिफरेंस क्या है, आपकी कंपनी इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही, अगर इंफॉर्मेशन है तो वो क्या है, उसका एविडेंस जरूर मांगे कि रिटर्न कहाँ है। ओके, मैं याद रखो परचेज करने के बाद आपको आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, परचेज करने से पहले आपकी फुल वैल्यू, उनके फोन आएंगे, परचेज करने के बाद आपका फोन शायद कम उठाया जाएगा, ये भी कंपनी का एक पॉइंट है। नेक्स्ट, एनोटेशन सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या
ब्रांड अपने एनोटेशन सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करता है, बनाता है, जहां वो किसी और कंपनी के, दोनों ही किसी और कंपनी के यूज कर रहे हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैक्सब इसमें नोट 3, नोट 5, इजी नोट, कैप्चर, ओके, कनेक्ट स्क्रीन शेयर, तो इनके यूज आपको शायद पता होगे। दूसरी तरफ एलजी भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ये कोई भी खुद नहीं बनाता। ओके, एक और पॉइंट जो बाद में आ रहा है आई सेफ्टी स्टैंडर्ड का, ये ना एक मिनट, NTSC नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी है, जो इंटरनेशनल एक कमेटी है, जो कोई भी टेलीविजन या स्क्रीन वाली चीज बनती है तो उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है कि इससे कम स्टैंडर्ड वाली चीज स्क्रीन नहीं बननी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड का मैयर क्या है, 72%। ओके, आई सेफ स्टैंडर्ड 72%। मैक्स हब इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारी कंपनी वहां से सर्टिफाइड है और इस स्टैंडर्ड में आ रही है, लेकिन एलजी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपने ब्रोशर में नहीं दे रहा, ना ही उनका कोई डीलर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट भी आई केयर से रिलेटेड है। सर्विस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस टोटल शक नहीं है कि सारे ब्रांड के साथ बेशक आप कंपेयर कर लीजिए, एलजी नंबर 1 है सर्विस प्रोवाइड करने में। ये पक्का है कि 24 आवर में, जहां जिन आवर्स में बाकी कंपनीज का शख्स आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करने आ जाएगा आपके घर में, उससे पहले एलजी का आ जाएगा, ये पक्की बात है, इसको में कोई दो राय नहीं है, ये आपका डिसीजन मेकिंग एक पॉइंट हो सकता है। ओके, सर्विस पार्टी, सर्विस करनी किसने है, एलजी अपनी फर्स्ट पार्टी है, वो खुद अपने उनके सर्विस सेंटर हैं, उन्हीं सर्विस सेंटर से वो सर्विस प्रोवाइड करती है। यहां भी पॉइंट एलजी का प्लस है, लेकिन यहां थर्ड पार्टी है मैक्सहब में, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इट मींस अगर आप मैक्सहब के पैनल की प्रॉब्लम की कंप्लेंट करते हो तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का शख्स आके आपके घर में पैनल ठीक करके जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ सर्विस सेंटर इन इंडिया, मुझे किसी माइके लाल ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने इतनी वेरिफिकेशन, इतने कंपैरिजन किए, आप देख सकते हो मेरे पास जो मोस्ट वैलिड इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई, मैक्सहब वालों ने यह कहा कि हमारे 480 इंडिया में सर्विस सेंटर हैं, वो 15,000 पिन कोड्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिली। एंड जब एलजी के किसी डीलर से बात करते हैं तो एक जना कह रहा है कि हमारे 2-3 हजार के करीब इंडिया में सर्विस सेंटर है, दूसरा कह रहा है 6-7 हजार है, तीसरे कह रहे हैं कि लगभग 17-18 हजार सर्विस सेंटर है। हाँ, ये बात ठीक है कि क्वालिटी एलजी की ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ सर्विस सेंटर की इंफॉर्मेशन किसी माइके लाल ने ना इधर ना इधर किसी ने अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं की। अच्छा, ये समझ लेना, अगर एलजी के सर्विस सेंटर ज्यादा है तो ये डिफरेंस क्या है, ये गिनती पर नहीं जा सकते आप, क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये सर्विस सेंटर 1 है 2 है 3 है, आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए ये 6 सर्विस सेंटर है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 6 सर्विस सेंटर है, ये रेफ्रिजरेटर का या आपके और किसी प्रोडक्ट का, माइक्रोवेव का हो सकता है, किसी और के प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सर्विस सेंटर होते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट की सर्विस सेंटर में की जाती है, लेकिन ये सारे 6 के 6 पैनल की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं होंगे, ये बात याद रखना, इनमें से एक होगा जो पैनल की सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब है आपका नंबर जो वो बताते हैं उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ इससे है कि हमें जब भी कंप्लेंट होती है तो सर्विस कितनी देर बाद और कितनी अच्छी मिलती है, ठीक। दूसरा, तीसरा प्लस पॉइंट जो एलजी का है कि रूरल एरिया में अप्रोचेबल एलजी है, ये बात सच है, बाकी कंपनी जो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं वो रूरल एरिया में जल्दी
टाइम में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर वर्सेस मेजर प्रॉब्लम। एक सर्वे मैंने किया था जिसमें 150 पैनल बिकने के बाद मैंने ये पूछा था, पता नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा कहां से पता चला, तो किसी पैनल में कोई प्रॉब्लम आई तो इस ब्रांड में किसी, क्योंकि ब्रांड का ऐसे नेगेटिव नहीं कहूंगा कि उस पर इफेक्ट हो, इसमें एक ब्रांड ऐसा है जिसमें 150 पैनल बिकने के बाद उनमें दो पैनल में मेजर प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये स्क्रीन बहुत हीट करने प्रोड्यूस करने लग पड़ी थी, और लेकिन बैड पॉइंट उसमें ये था कि जब उन्होंने कंप्लेंट की और उसके दो महीने बाद उनको सर्विस प्रोवाइड हुई। ये एक केस है, इसको जनरलाइज कर लेना ना कर लेना ये आप पर निर्भर करता है। पीरियड ऑफ जो है वारंटी, ओके, थ्री ईयर पीरियड, ये दोनों इक्वल है, ये भी थ्री ईयर पीरियड ऑफ वारंटी। ऑन साइट को समझ लीजिए, मेन कंप्लेंट मैंने की, ये मेरा घर है, ये पैनल लगा है, यहां कंपनी का शख्स आएंगे और यहां आके ठीक करके जाएंगे ऑन साइट, जिस साइट पर ये पैनल लगा हुआ है। ओपीएस के लिए ऑन साइट नहीं ऑफ साइट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए ओपीएस खराब हो गया, आप उसको यहां से निकालोगे, निकालकर आपको पैक करके पार्सल करके भेजना पड़ेगा, हाँ वहां से वो ठीक होकर सर्विस होके वापस आपके पास आएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सारे लगभग जब इंस्टॉलेशन करने आते हैं तब ट्रेनिंग एक दे जाते हैं, ये सभी का पॉइंट इक्वल है। और ऑफलाइन में अवेलेबिलिटी मेरे ख्याल में एलजी की बेटर होगी, मेरे ख्याल में, क्योंकि उनका फर्स्ट पार्टी है, बाकियों का थर्ड पार्टी है, तो आपको पैनल लगवाने के बाद वो जरूरी है। अगर आपके नोन में कोई कंप्यूटर का टीचर या स्पेशलिस्ट है, इजीली अवेलेबल है, तो आपको तंगी कम आएगी। अदरवाइज आपको छोटी छोटी बातों के लिए फोन करना पड़ता है कि सर ये कैसे खुलना है, फ्लिकर फ्लिक कहां से करना है। जैसे मेरा स्प्लिट की प्रॉब्लम आई है, एंड्रॉयड में स्प्लिट मेरी स्क्रीन नहीं हो सकी, लेकिन विंडो में होती है, अब मुझे ओपीएस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे बाद में पता चला, मेरी इतनी स्टडी थी, 10 महीने मैंने स्टडी की, लेकिन ये बात किसी माई के लाल ने क्लियर नहीं की कि आपको विंडो चाहिए। हाँ कहते थे, कुछ लोग कहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो कह रहा है कि आपको स्प्लिट स्क्रीन के लिए विंडो चाहिए, ओपीएस चाहिए, जहां एंड्रॉइड सफिशिएंट है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, जब कंपैरिजन करता था। हाँ अब कंक्लूजन पक्का है, आपको विंडो चाहिए, आपको ओपीएस चाहिए, अगर आप स्प्लिट स्क्रीन या 4 स्प्लिट स्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई चीज खरीदने से पहले हम देखते हैं कि बनी कहां है। एक तो कंट्री, इसको कंफ्यूजन को समझ लेना, जरा इस कंफ्यूजन को अच्छी तरह से समझ लेना। एक तो होती है कि कंट्री ऑफ एक तो है कि कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। दूसरा है कि ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस देश में ये पैनल बना है और एक्चुअल वो कंपनी की टेक्नोलॉजी किस देश की है। मैक्स अब एलजी जो पैनल आप देखते हो, दोनों ही मैन्युफैक्चर कहां हो रहे हैं, चाइना में। अगर आपको कोई ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये भी चाइना का है, ये भी चाइना का है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं है, वो कहीं भी बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी किस देश की है, ठीक। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि इस देश की अच्छी है, इस देश की नहीं है। सो मैक्स हब प्योरली चाइना नहीं बनता है, टेक्नोलॉजी भी चाइना की कंट्री की है, लेकिन एलजी साउथ कोरिया की है, ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है, ये समझ लेना चाहिए, ओके। तो यहां प्लस पॉइंट जा रहा है सीधा एलजी के फेवर में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट के नहीं कहां गया, कंजम्पशन का पॉइंट है। पावर कंजम्पशन 3 तरह से मेजर होती है, एक जो मेरे ख्याल में ओवरऑल, हाँ ये ओवरऑल, ओके। दूसरा स्टैंड बाय, जब आप जैसे पीसी नहीं यूज करते और ये पैनल नहीं यूज करते तो वो एक काम नहीं कर रहा, तो स्टैंड बाय कितनी पावर ले रहा है, वो सबसे कम पावर लेता होता है, ठीक है।
ओवरऑल जो पावर कंजम्पशन है मैक्सअप की 400 वाट है और एलजी की 175 वाट है, ठीक है। रेंज उन्होंने दी हुई है, इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, देखिए ये इंफॉर्मेशन आप कंपेयर कर सकते हो, और मैक्सिमम है 294 वाट। तो इनको कंपेयर करें ओवरऑल वाट एलजी के प्लस पॉइंट बन रहे हैं सीधे, काफी पावर कंजम्पशन कम है। पावर स्टैंड बाय में लगभग दोनों सेम है देख सकते हो, और पावर एवरेज जो सभी की मिला के एवरेज निकलती है वो एवरेज ये निकलती है, मैक्स अपने ये इंफॉर्मेशन दी है गुड पॉइंट, लेकिन एलजी की ये इंफॉर्मेशन मिस है। लेकिन आप डिसीजन यहां से निकाल सकते हो क्योंकि ये डिफरेंस है 400 वाट और रेंज है 175 टू 294। एलजी कम पावर कंजम्पशन करता है। ओके, बिल भी आना है बाद में। लाइफ टाइम आवर्स जो होते हैं, लाइफ किसकी ज्यादा है, दोनों की इक्वल 30,000। ओके, 30,000 किसकी, टच की। डैक लाइट लाइफ एक डिफरेंट पॉइंट है, ना ही ये मैक्सअप ने इंफॉर्मेशन दी है याद रखना, ना ही एलजी ने ये इंफॉर्मेशन दिया। उनसे डीलर से पूछना आपकी डैक लाइट लाइफ की कितनी है, आंसर नहीं मिलेगा, प्रोशर में नहीं मिलेगा, वेबसाइट में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बोलेंगे 30,000 जी 30,000 लाइफ है। किस बात की लाइफ है ये पूछना जरूरी है, टच की या ब्लैक लाइट लाइफ की। ओके, वेट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 53-53 दोनों का सेम है। ग्रॉस रेट है जो मटेरियल बाकी पैक होके आता है उसका, ये भी 69 लगभग 70 किलोग्राम इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, भाई साहब ने पूछते हो फिर भी पता नहीं बताते हैं। इंस्टॉल्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टॉल्ड बाय डीलर इंस्टॉल करता है जिससे आप लोकली परचेज करते हो, ठीक। उसमें डिले हो सकती है, उसमें स्टैंडर्ड में इधर उधर बात हो सकती है, लेकिन जब कंपनी खुद करती है तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन होगी। हाँ, अगर ट्रेनिंग मिली हुई है ये भी ट्रेन होते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं इनको प्लस पॉइंट, एलजी को प्लस पॉइंट देता हूं कि इंस्टॉलेशन कौन करेगा, ये पॉइंट आपका पूछना बनता है अगर और कोई ब्रांड भी देखते हो तो भी। ओके, ये वॉल माउंट किट है, ये जो पीछे एक दीवार में ये लगती है उस पर ये हैंग होता है। दूसरी ऑप्शन होती है व्हील वाला स्टैंड होता है, ठीक। ये कोई भी कंपनी कहते हैं कि कोई भी कंपनी ये प्रोवाइड नहीं करती, ये डीलर कहता है मैं अपने से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसकी रेंज होती है लगभग ये 3-4 हजार का होता है, यहाँ 5,000 तक इसकी रेंज लिखी हुई है, आपको बताएंगे 5,000 तक, लेकिन नहीं ये 3-4 हजार के बीच में है। ओके, ये दूसरा है कि अगर आप ये लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 14-15,000 खर्च करने पड़ेंगे। इसका फायदा ये है मूवेबल है, कहीं भी आप इधर उधर इस क्लास से दूसरी क्लास में, इस रूम से उस रूम में ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये बात हो चुकी है शायद कि ओपीएस वर्सेस लैपटॉप। ओके, ये बात किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ओके, देखिए इनबिल्ड है ओपीएस और इसमें स्लॉट है एचडीएमआई के साथ कनेक्ट होके, तो ऐसे आप डिसीजन ले सकते हो। हाँ, प्राइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस। अच्छा, ये बात याद रखना, जब मैंने लेना था तो 18% जीएसटी था, कहते हैं 28% जीएसटी इस पर हो जाना है, ठीक, इसलिए मैंने वो डिफरेंटली बताया है। 75 इंच वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बिकता है टीचिंग के लिए, हाँ टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा ये बिकता है। विदाउट ओपीएस, ये बात याद रखनी है कि ये ओपीएस के बिना मैक्स हब कोई प्रोवाइड ही नहीं करता, नॉट अवेलेबल, ठीक। 75 एलजी का है, एलजी का 180 प्लस जीएसटी, 2,05,000 के करीब आपको ये मिल जाएगा विदाउट ओपीएस, विदाउट ओपीएस। अच्छा, याद रखना, एक इंटरव्यू में ये बात पता चली कि 2 साल पहले तक एलजी का ये प्रोडक्ट 4,70,000 का था,
जो अब आपको मिल रहा है 2,05,000 पे। ओके विद ओपीएस हाँ अवेलेबल है मैक्स हब का जो 1,01,65,000 विद प्लस जीएसटी। ओके टोटल वो क्या बन गया अगर 18% है याद रखना अगर 18% है तो ये बन गया 1,09,090,000 जो एलजी का है इसका प्राइस है 1,80,000 प्लस जीएसटी जो ऊपर करके आए हैं 2.05। इसमें अगर ओपीएस लेना है आप 43 के करीब 43.4 इसके करीब भी बताते हैं कि इतना खर्च आता है तो ये टोटल आपका बन गया लगभग 2,48,000। ओके 2.5 लाख के करीब आपका वो पड़ गया एलजी का विद ओपीएस। तो 65 का अगर आपने देखना है विदाउट ओपीएस 1.25 लाख और एलजी का 1.30। ये डिसीजन आपका स्पष्ट है अगर आपने 65 का लेना है तो विदाउट ओपीएस ये भी विदाउट है ये भी विदाउट है आप लगभग थोड़ा फर्क है मेरे ख्याल में आप डिसीजन वैसे खुद कीजिए बेटर है ठीक। विद ओपीएस 1.70 और ये बन गया 1.73 ये भी लगभग इक्वल है और 65 का विद ओपीएस। ओके इनमें से डिसीजन आपका इजीली हो जाता है। जब आपने 75 का लेना है विद ओपीएस लेना है तब मैक्स हब थोड़ा कंपीट करता है ऑप्शन के बेस पर आप डिसीजन लोगे। ओके और वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको विद ओपीएस मैक्स हब क्या कर सकता है i5 प्रोसेसर होगा i5 से कम प्रोसेसर मत लीजिए ये सीधा सुजेशन है। 8th जनरेशन है हाँ इधर भी i5 है 8th जनरेशन है इक्वल चल रहा है। ओके 8GB रैम ओके इधर भी 8GB रैम 128 SSD इधर भी 128 SSD वाईफाई डॉस वगैरह ये मेरे ख्याल में सभी में अवेलेबल होता है लेकिन इधर वालों ने इन्फॉर्मेशन ये नहीं दी हुई मैक्स हब ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो ये था प्राइस आप खुद देख लीजिए कि कौन सा आपके लिए बेटर है। मैं ऐसे किसी का फेवर या ओके ओपीएस का ये चार्ट है एलजी और मैक्स हब का i5 प्रोसेसर दोनों के पास है। ओके ये बात है कि ओपीएस इनबिल्ड है ये बात भी हो चुकी है। इनके लिए पिन्स कितनी चाहिए 80 पिन्स वाला एलजी में लगता है। ओके ये बात याद रखनी है। कंपनी किसका है इंटेल कोर का इन्होंने कंपनी नहीं बताई हुई मैक्स हब ने कंपनी नहीं बताई हुई किसका है। अच्छा कई कंपनी होती है दो कंपनी मुझे मिली है इंटेल बनाती है एक एडीएम है इसका थोड़ा सा सस्ता होता है इंटेल का महंगा होता है इंटेल को प्रेफर किया जाता है। जनरेशन कौन सी है इसमें मैक्स हब 8th जनरेशन ही प्रोवाइड कर रहा है एलजी 7.3 प्रोवाइड कर रहा है याद रखना है जब परचेज करना है तो 7 तो नहीं जनरेशन दे रहे हैं। ओके रैम एक्सटेंडेबल है कितनी है रैम 8 है। ओके एलजी 16 तक अगर आपने 8 से 16 करनी है तो 4,000 आपका प्लस लगेगा अगर आपने एक्सटेंड करवानी है। अच्छा एक्सटेंड करवाने में ये बातें ध्यान रखनी है कई कंपनी है जैसे पता नहीं कोर पेयर ऐसी कोई कंपनी है इसका 6,000 का है ठीक है किंगस्टोन का 3200 का है और ये एक है WD का है 4,800 का है तो आप ये एक डीलर आपको ये कह सकता है कि मैं आपको सस्ता प्रोवाइड करता हूं उसके कंपनी का भी फर्क पड़ेगा कि वो रैम या वो जो नेक्स्ट पॉइंट है ओपीएस का कि आपको रैम कौन सी मिलती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके पहले तो इसकी कैपेसिटी कितनी है मिनिमम ये दे रहे हैं 128 SSD ये भी दे रहे हैं 128 SSD। ओके ये एक्सटेंडेबल भी है आपके चार्जेस भी जो पैसे भी हैं वो भी अधिक लगेंगे।
ऑलवेज परचेज एसएसडी नॉट एचएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है एसएसडी। ओके, फर्क क्या है? जब आप आपका पीसी भी आप लैपटॉप भी चलाते हो तो आप देख रहे हो जैसे फैन चलता है, कोई ऑपरेटर चल रहा है, बूम ऐसे कोई आवाज आती है, तो ये हार्ड वेयर एक तरह से है, ये एक तरह से चिप सिस्टम है। ओके, इसकी कोई आवाज नहीं आएगी। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्यों आपको एसएसडी लेनी चाहिए वो नेक्स्ट डायग्राम है, ये देख लीजिए। अगर आपने रीडिंग है जो है रीडिंग मीन इसको रीडिंग मीन जब आप कोई फाइल को क्लिक करते हो तो वो ओपन होती है ऐसे 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 गोल गोल घूमता है ना, वो कितनी देर घूमता है, कितना टाइम ले रहा है। ओके, जहां फाइल ओपन होने में रीडिंग का संबंध है कि जो भी फाइल आपने ओपन करनी है उसमें कितना टाइम लगता है। अगर आपके पास एचडीडी है फॉर एग्जांपल, उसमें 100 सेकंड्स लग रहे हैं, तो एसएसडी के साथ 10 सेकंड्स लगेंगे, इतना फर्क है। राइटिंग में आपने फाइल को स्टोर करना है, सेव करना है। अगर एचडीडी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, मेरे पुराने लैपटॉप है मेरे पास उसमें यही है, अगर उसमें 200 सेकंड्स लगते हैं तो एसएसडी में 10 सेकंड्स लगेंगे, इतना फर्क। टोटल अगर देख रहे हैं इसको दूसरी तरह भी देख सकते हैं, एसएसडी के साथ रीडिंग 10 सेकंड और एचडीडी के साथ इतना ज्यादा टाइम। इट मींस अगर आप एचडीडी ले रहे हैं तो इतने गुना टाइम आपका कोई भी वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग में, देखने में, सेव करने में, ओपन करने में इतना ज्यादा लगेगा। और इस पर बस अब कांटा पूरा लगा हो, ऑलवेज प्रेफर एसएसडी। ओके, तो ये टोटल पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किए हैं। अभी वो चल रहा है ओटीएस ना, और वाईफाई दोनों में है, एलजी में भी, मैक्सअप में भी, लैन भी दोनों में है, यस यस, ब्लूटूथ दोनों में यस यस, विंडो इसमें 10 है, उसमें प्लस कंटेंट सपोर्टेड 4K कंटेंट, विष्णु में डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करके आए थे। अच्छा, एलजी प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन के यस सपोर्टेड, मैक्सअप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। वारंटी, ओके, वारंटी याद रखना, ओपीएस अगर आप कंपनी का ही लगवाते हो तो वो वारंटी देते हैं, अगर आप बाहर का लगवाते हो तो वो वारंटी नहीं देंगे। ठीक, 3 साल की है ऑफ साइट, यहाँ आके ठीक नहीं करेंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा जहाँ ओपीएस को वहां भेजना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी ये पॉइंट नहीं है। ओके, प्राइस में इंक्लूड ये कर लीजिए कि 18% जीएसटी है, अगर 28% होता है तो ऊपर जो पॉइंट्स जो प्राइस दिए गए हैं उनमें आप फिर इंक्रीज 10% और कर लीजिए। ठीक, ये क्योंकि ओपीएस इनबिल्ड है और आप एलजी में इनबिल्ड नहीं है तो इतना 43, 44, 46 के करीब आप प्लस कर लीजिए प्राइस में। तो ये इंफॉर्मेशन है, क्लियरली एक चार्ट बनाइए, अपनी नीड को लिखिए, अपने पर्पस को लिखिए और एक एक फैक्टर को कंपेयर कीजिए, क्योंकि आपने लाखों रुपए खर्च करने हैं, वो ऐसे अगर खर्च हो गए बाद में आपको को लगा कि मेरे काम की चीज नहीं है, ये कम है, आप बहुत डिस्टर्ब हो गए। इसलिए मैंने कम से कम 10 महीने ये एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस जो किया है ऐसे ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, आप दूसरे एक्सपर्ट हैं उनको ज्यादा देख सकते हो, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो मैंने प्रोवाइड कर दी है। हाँ, मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई वर्ड या कोई भी गलती हुई हो उसके लिए वेरी 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 सॉरी।